लिबर ऑफिस इंप्रेस के परिचय पर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम निम्न सीखेंगे: लिबर ऑफिस इंप्रेस का परिचय, इंप्रेस में विविध टूलबार्स, नए प्रस्तुति को तैयार कैसे करें, एमएस पावरपॉइंट प्रस्तुतिकरण के रूप में सेव कैसे करें, एमएस पावरपॉइंट प्रस्तुतिकरण को ओपन कैसे करें और इंप्रेस में पीडीएफ डॉक्यूमेंट कैसे एक्सपोर्ट करें। लिबर ऑफिस मैनेजर लिबर ऑफिस सूट का प्रस्तुतिकरण मैनेजर है। इसका उपयोग सशक्त प्रस्तुति को तैयार करने के लिए किया जाता है। यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावरपॉइंट के समतुल्य है। लिबर ऑफिस इंप्रेस फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, उपयोग और वितरण के लिए निशुल्क उपलब्ध है। लिबर ऑफिस सूट के साथ शुरुआत करने के लिए आप या तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 2000 और इसके उच्च वर्जन्स जैसे विंडोज एक्सपी या एमएस विंडोज 7 का उपयोग कर सकते हैं, या आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जेएनयू लिनक्स का उपयोग कर सकते हैं। यहां हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में उबंटू लिनक्स वर्जन 10.04 और लिबर ऑफिस वर्जन 3.3.4 का उपयोग कर रहे हैं। यदि आपके पास लिबर ऑफिस सूट संस्थापित नहीं है तो सिनेप्टिक पैकेट मैनेजर का उपयोग करके इंप्रेस को संस्थापित कर सकते हैं। सिनेप्टिक पैकेट मैनेजर पर अधिक जानकारी के लिए कृपया इस वेबसाइट पर उपलब्ध लिनक्स उबंटू ट्यूटोरियल का अनुकरण करें और इस वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों का अनुकरण करके लिबर ऑफिस सूट डाउनलोड करें। लिबर ऑफिस सूट के पहले ट्यूटोरियल में विस्तृत निर्देश उपलब्ध हैं। याद रहे, जब संस्थापन कर रहे हों, इंप्रेस का संस्थापन करने के लिए कंप्लीट ऑप्शन का उपयोग करें। यदि आपके पास लिबर ऑफिस सूट पहले से ही संस्थापित है, आप अपनी स्क्रीन के टॉप लेफ्ट में एप्लीकेशंस ऑप्शन पर क्लिक करके और फिर ऑफिस पर क्लिक करके और फिर लिबर ऑफिस ऑप्शन पर क्लिक करके लिबर ऑफिस इंप्रेस पा सकते हैं। विविध लिबर ऑफिस घटकों के साथ एक नया डायलॉग बॉक्स खुलता है। लिबर ऑफिस इंप्रेस को एक्सेस करने के लिए नए डायलॉग बॉक्स में प्रेजेंटेशन घटक पर क्लिक करें, क्रिएट पर क्लिक करें। यह मुख्य इंप्रेस विंडो में एक खाली डॉक्यूमेंट ओपन करेगा। अब इंप्रेस विंडो के मुख्य घटकों के बारे में सीखते हैं। इंप्रेस विंडो में विविध टूलबार्स हैं, जैसे टाइल बार, मेन्यू बार, स्टैंडर्ड बार, फॉर्मेटिंग बार और स्टेटस बार। हम टूलबार्स के बारे में सीखेंगे जैसे ही ट्यूटोरियल्स आगे बढ़ेंगे। हम अपनी पहली प्रस्तुति पर कार्य करने के लिए तैयार हैं। अब फाइल बंद करें, एप्लीकेशंस पर जाएं, ऑफिस पर क्लिक करें, फिर लिबर ऑफिस इंप्रेस पर क्लिक करें, फ्रॉम टेम्पलेट पर क्लिक करें, रिकमेंडेशन ऑफ अ स्ट्रेटजी चुनें और अगले बटन पर क्लिक करें। सिलेक्ट अ स्लाइड डिजाइन ड्रॉप डाउन में प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड चुनें, फिर ब्लू बॉर्डर चुनें। सिलेक्ट एन ऑप्शन मीडियम फील में ओरिजिनल चुनें, अगले बटन पर क्लिक करें। यह स्लाइड ट्रांजिशन बनाने के लिए स्टेप है। सभी ऑप्शंस को छोड़ दें जैसे वे हैं और नेक्स्ट पर क्लिक करें। व्हाट इज योर नेम फील्ड में आप अपना या अपनी संस्था का नाम लिख सकते हैं। मैं A1 सर्विसेज टाइप करूंगा। व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ योर प्रेजेंटेशन फील्ड में बेनिफिट्स ऑफ ओपन सोर्स टाइप करें, नेक्स्ट पर क्लिक करें। यह स्टेप प्रस्तुति का वर्णन करता है। सभी ऑप्शंस डिफॉल्ट रूप से चुनित हैं, कुछ भी ना बदलें। वे प्रस्तुति के लिए सैंपल हेडिंग हैं। क्रिएट पर क्लिक करें। आपने अब लिबर ऑफिस इंप्रेस में अपनी पहली प्रस्तुति बना दी है। अब हम देखेंगे कि प्रस्तुति को सेव कैसे करें। फाइल और सेव पर क्लिक करें। सेव डायलॉग बॉक्स खुलेगा। हम इस फाइल को सैंपल इंप्रेस के रूप में सेव करेंगे और सेव बटन पर क्लिक करें। ध्यान दें कि इंप्रेस ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट एक्सटेंशन .odp के साथ सेव होगा। अब हम फाइल बंद करेंगे। प्रस्तुति को बंद करने के लिए फाइल और क्लोज पर क्लिक करें। आगे सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट प्रस्तुतिकरण के रूप में लिबर ऑफिस प्रस्तुतिकरण को सेव कैसे करें। हम फाइल और ओपन पर फिर से क्लिक करके और सैंपल इंप्रेस चुनकर सैंपल इंप्रेस प्रस्तुतिकरण ओपन करेंगे।
डिफॉल्ट रूप से लिबर ऑफिस इंप्रेस डॉक्यूमेंट को ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में सेव करता है। प्रस्तुति को माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट में सेव करने के लिए फाइल और फिर सेव एज पर क्लिक करें। फाइल टाइप में माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट चुनें। फाइल को सेव करने के लिए स्थान का चुनाव करें। सेव बटन पर क्लिक करें। कीप करंट फॉर्मेट बटन पर क्लिक करें। फाइल पीपीटी के रूप में सेव हो गई है। फाइल और क्लोज पर क्लिक करके फाइल को बंद करें। आगे हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट प्रस्तुति लिबर ऑफिस इंप्रेस में कैसे ओपन करें। फाइल और ओपन पर क्लिक करें। पीपीटी के लिए ब्राउज जिस फाइल को आप ओपन करना चाहते हैं, फाइल चुनें और ओपन पर क्लिक करें। अंततः हम सीखेंगे कि लिबर ऑफिस इंप्रेस प्रस्तुति को पीडीएफ फाइल के रूप में कैसे एक्सपोर्ट करें। पीडीएफ ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स में फाइल और फिर एक्सपोर्ट एज पीडीएफ पर क्लिक करें। पीडीएफ ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स में सभी ऑप्शंस वैसे ही रहने दें और एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक करें। फाइल नेम फील्ड में सैंपल इंप्रेस टाइप करें। सेव इन फोल्डर फील्ड में स्थान चुनें जहां आप फाइल को सेव करना चाहते हैं और सेव पर क्लिक करें। डॉक्यूमेंट अब डेस्कटॉप पर पीडीएफ फाइल के रूप में सेव हो गया है। अब हम लिबर ऑफिस इंप्रेस पर ट्यूटोरियल की समाप्ति की ओर आ गए हैं। संक्षेप में जो हमने सीखा, लिबर ऑफिस इंप्रेस का परिचय, इंप्रेस में विविध टूलबार्स, नई प्रस्तुति को कैसे तैयार करें, एमएस पावरपॉइंट प्रस्तुतिकरण के रूप में सेव कैसे करें, एमएस पावरपॉइंट प्रस्तुतिकरण को ओपन कैसे करें और इंप्रेस में पीडीएफ डॉक्यूमेंट कैसे एक्सपोर्ट करें। इस व्यापक नियत कार्य का अभ्यास करें। पहली स्लाइड में समान टेक्स्ट लिखकर एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करें, इसे एमएस पावरपॉइंट डॉक्यूमेंट के रूप में सेव करें, फिर बंद करें। अब हमारे द्वारा देखी गई फाइल को फिर से ओपन करें। निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें, यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल का उपयोग करके कार्यशालाएं भी चलाती हैं। उनको प्रमाण पत्र भी देते हैं जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें spoken-tutorial.org। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी के लिए उपलब्ध लिंक पर संपर्क करें spoken-tutorial.org/nmeict-intro। यह स्क्रिप्ट देवेंद्र कैरवान द्वारा अनुवादित है। IIT बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।